एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आई डालते हैं कि नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा डीआरएम कार्यालय के बाहर जोरदार धरना। गाइड एंड स्काउट के कैडेट्स ने आज लोगों को हेलमेट पहनने के लिए दी नसीहत। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के और किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के पश्चात सप्ताह के इस दरमियान पूर्व क्षेत्र के विधायक संदीप कुमारी ने गंगा शहर क्षेत्र में ठेले बटेहरी वालों को बांटे कपड़े के ठेले। नर्सिंग कर्मियों की भर्ती को लेकर के आज नर्सिंग स्टूडेंट्स ने रखी एक जोरदार बैठक। राष्ट्रीय राजमार्ग 754 पर किसानों के अभाव भूमि का मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर के चल रहा है धरना, अब भी जारी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव में किसी भी विधायक या सांसद का नहीं होगा दखल, कहा चंद्रशेखर। गोगा के क्षेत्र में डंपिंग यार्ड पर रखे कचरे में लगी आग, आग के भीषण लपटों से एक बार माहौल भय का बना। और राज्य के डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ के द्वारा छात्र की सुविधाओं को लेकर के किया गया प्रदर्शन। और अब रुख करते हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के धरने की, जहां पर डीआरएम कार्यालय के बाहर उन्होंने यह विशाल धरना दिया। इस धरने में जहां केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे के निजीकरण को किए जाने का विरोध भी किया जा रहा है। इस मौके पर जहां एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेताओं ने और पदाधिकारियों ने इस बात का विरोध मुखरित किया। आइए हम आपको लिए चलते हैं डीआरएम कार्यालय के बाहर, जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज के द्वारा यह विशाल धरना दिया गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, और सरकार को अपने आने वाले संडे या चेतावनी सप्ताह जो 16 तारीख से कल 20 तारीख तक मनाया जा रहा है पूरे देश में, एक बार सभा का आयोजन किया गया है। इसे हमारे महामंत्री कॉमरेड निवेदन करूंगा पूरे समय महामंत्री जी की बात को सुने और पेंशन स्कीम लागू करो, लागू करो। धरने की वजह क्या रही और धरने का क्या कारण था, हमने बातचीत की महामंत्री मुकेश माथुर से। वुमेन्स फेडरेशन के आह्वान पर भारतीय रेल का जो सरकार ने निजीकरण और निगमीकरण करने का जो फैसला किया है उसके विरोध में ये चेतावनी सप्ताह मनाया जा रहा है, और उसी के तहत आज यहाँ बीकानेर में हमने सभा की है। हम चाहते हैं सरकार इस बात को समझे कि भारतीय रेल को सुरक्षित, संरक्षित और सही तरीके से केवल रेल कर्मचारी ही चला सकता है, बाहर का कोई आदमी ठेके पर लेके इस रेलवे को नहीं चला सकता। क्योंकि देश के 80% से ज़्यादा गरीब लोग अगर आज की तारीख में सुलभता से यात्रा करते हैं, बहुत सस्ते में यात्रा करते हैं, तो उसके पीछे वजह यही है कि भारतीय रेल को सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की डिमांड्स, जिसमें NPS की मांग प्रमुख है, हमारे ट्रैक मेंटेनर के जो प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल, हमारे CNW डिपार्टमेंट, हमारे रनिंग स्टाफ, इनके बीकानेर में जो प्रमोशन बाकी हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर SSC और अकाउंट्स के जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं, इनके इश्यूज़ जो सरकार जिन पर कोई निर्णय नहीं कर रही है, उन सब इश्यूज़ को लेकर हम ये चेतावनी सप्ताह मना रहे हैं। और अगर सरकार ने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की तो फिर निश्चित रूप से एक भीषण संघर्ष होगा, और चाहे कितनी भी मजबूत सरकार हो,
इस सरकार को सबक सिखाने का काम हम भारतीय रेल के कर्मचारी जरूर करेंगे। बीकानेर में कोटगेट से लेकर के प्रेमजी पॉइंट तक आज लोगों को स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स ने जो है वह फूल देकर के और उनका स्वागत किया। खास बात यह है कि इन दिनों जहां जुर्माना भरा जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की नसीहत भी इन कैडेट्स और स्काउट के गाइड्स ने दी। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज स्काउट गाइड्स और एनसीसी के कैडेट्स ने लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कर्मचारी भी अब लामबंद हो रहे हैं। उन्होंने भी इस बात को लेकर के प्रदर्शन किया कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी और जो वादे किए गए थे वो अब ये सरकार पूरा करे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, ये अगुवाई हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजदूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, वसुंधरा सरकार सोचलो सरकार मुर्दाबाद। हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रदर्शन करने वाले इन कार्मिकों से की विशेष बातचीत। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, जिला कलेक्टर के माध्यम से हम राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को सीएम के नाम से ज्ञापन देने के लिए आए और ये ज्ञापन हम वसुंधरा सरकार द्वारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा 30/10/17 का जो कर्मचारी विरोधी जो सर्कुलर जारी किया गया है, उस सर्कुलर के माध्यम से राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को जो बैरू सिंह सरकार द्वारा 9/18/27 का जो चयनित वेतनमान का जो लाभ दिया गया था, उस लाभ को अप्रत्यक्ष रूप से छीनने का प्रयास किया है और बैक डेट में कर्मचारियों द्वारा जो लाभ प्राप्त किया गया उस लाभ को छीनकर और रिकवरी करने के ये आदेश हैं और उसके खिलाफ पूरे राजस्थान के सभी विभागों के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और हम इस ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब कर्मचारी हितों पर जो कुठाराघात किया गया उस आदेश को 30/10/17 को वापस लिया जाए और अगर सरकार ने समय रहते हुए कर्मचारियों को हितों को ध्यान में नहीं रखा तो आने वाले दिनों में कर्मचारी सड़कों में उतरेगा और इस सरकार के खिलाफ आंदोलनात्मक कदम उठाएगा और आवश्यकता पड़ी तो इस आदेश के खिलाफ, जो कि संवैधानिक रूप से एकदम गलत है, उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने के भी कर्मचारियों द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के साथ ही जहां एक विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है, स्वच्छता सप्ताह के दौरान पर्यावरण को लेकर के भी चेतना और जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी दरमियान बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी के साथ में अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गंगा शहर क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर सब्जी बेचने वाले ठेलों को उन्होंने कपड़े के थैले वितरित किए और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आपके पास में ग्राहक आते हैं, आप उन्हें प्लास्टिक की थैली की बजाय ये कपड़े और इस कपड़े में डाल करके अपना सामान बेचें। आइए हम आपको दिखाते हैं वो नज़ारा जहाँ पर स्वच्छता सप्ताह के तहत पूर्व क्षेत्र के विधायक सिद्धि कुमारी ने आज यह संदेश दिया। हमने यहाँ पर रामस्वरूप धायल से की विशेष बातचीत। सेवा दिवस सप्ताह के तहत हमने एक अभियान चलाया है, मोदी जी की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉलिथिन का बहिष्कार कर रहे हैं, हम एक संकल्प संदेश यात्रा निकाल रहे हैं।
उसके तहत ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में हम सभी को संदेश देंगे कि पॉलीथीन का बहिष्कार करें और कपड़े का प्रयोग करें, और कपड़े की थैली प्रयोग करने से हमारा गोदन बचेगा। पॉलीथीन लोगों के लिए हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, इसलिए हम संदेश दे रहे हैं कि पॉलीथीन का बहिष्कार करें और कपड़े की थैली को स्वीकार करें। आज क्या किया आपने? आज हम ये संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं कि पॉलीथीन का बहिष्कार करो और थैले को स्वीकार करो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर पीबीएम अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर के नर्सिंग स्टूडेंट्स ने आज एक बैठक का आयोजन रखा। इस बैठक के दौरान पूर्व सरकार के द्वारा की गई घोषणा को अमल में लाने की बात इस सरकार के द्वारा की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस बैठक के कुछ संपादित अंश। मात्र एक महीने की आपकी मेहनत आपको 4200 पे ग्रेड नर्सिंग ग्रेडों की ज्वाइनिंग दिला सकती है। ये नहीं है कि अपने को सुविधा दी सकती है, अगर अपन प्रयास करेंगे इसलिए भर्ती पे 2000 करवा दिए। हमारी बैठक के मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत की नर्सिंग स्टूडेंट के नेता प्रदीप चौधरी से। राजस्थान सरकार ने 2018 भर्ती नर्सेज में निकाली थी, उसको लगभग 1.5 साल पूर्ण होने जा रहा है, अभी तक नर्सेज को ज्वाइनिंग नहीं दी। राजस्थान सरकार मौसमी बीमारियों को देखते हुए राजस्थान में रिक्त पद जल्दी जल्दी भरने का निवेदन करें, जिसे ताकि मरीजों की सेवा अच्छी तरीके से हो सके और संविदा नर्सेज को इसका नियमितीकरण के लिए लाभ मिल सके। इसलिए राजस्थान सरकार से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी नर्सेज भर्ती पूर्ण करवाए। अगर राजस्थान सरकार ये भर्ती दीपावली तक नहीं पूर्ण कराती है, नर्सेज आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसके स्वयं जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी। नर्सेज काफ़ी आक्रोश में है, काफ़ी समय से लगभग 10 वर्षों से राजस्थान सरकार के हम संविदा नर्सेज के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 754 पर किसानों की भूमि अवाप किए जाने के बाद में उसके मुआवजे को लेकर के और किसान धरने पर बैठे हैं। कलेक्ट्रेट के सामने बैठे इन किसानों का ये कहना है कि DLC की दरें कम हैं और लिहाजा बाजार की दरें अधिक हैं। उन्हें वर्तमान दरों पर अपनी भूमि को जो है वह मुआवजा दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसके धरने और प्रदर्शन के संपादित भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव अब होने हैं और संगठन चुनावों में खासतौर से महामंत्री चंद्रशेखर का ये कहना है कि अब इन संगठन के चुनाव में विधायक या सांसद किसी भी प्रकार का दखल नहीं करेंगे। एक समीक्षा बैठक का आयोजन रखा गया, इस समीक्षा बैठक में बोलते हुए चंद्रशेखर ने की बात कही। आइए हम आपको दिखाते इस बैठक के कुछ संपादित अंश। बीकानेर के गोगागेट क्षेत्र में डंपिंग यार्ड में पड़े कचरे में आग लग जाने से आग की लपटें निकलने लगी, लिहाजा आसपास लोग एकत्र हो गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि आसपास के लोगों में एक बार भय और दहशत का माहौल बन गया। हालांकि उसके बाद में अग्निशमन यंत्र के द्वारा इस आग पर नियंत्रण पाया गया। दिखाते हैं हम आपको गोगा क्षेत्र में लगे इस आग की कुछ झलकी। We'll be right back.
राजकीय डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि छात्र नेता रामनिवास कुकड़ा के नेतृत्व में इन छात्रों ने 16 सूत्री मांग पत्र भी प्रिंसिपल को दिया, जिनमें खास तौर से मूलभूत सुविधाओं में कक्षा कक्षों में जो खराब पंखे हैं और उन पंखों को ठीक करने या अन्य जो सुविधाएं उन्हें बहाल करने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया। हम दिखाते हैं आपको इन छात्रों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के संपादित अंश। लाइब्रेरी के अंदर अध्ययन करके आज व्याख्याता बढ़े, इसलिए मांग करते हैं महाविद्यालय प्रशासन से कि उच्च स्तर के 300-400 विद्यार्थियों के बैठने की। दूसरी हमारी मांग थी शुद्ध पेयजल। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि पिछले दो जब शुद्ध ठंडा पेयजल पीते हैं और हमारे साथी उन प्याऊ के अंदर गर्म पानी पीते हैं तो बड़ी पीड़ा। प्रदर्शन करने के बाद हमने छात्र नेता रामनिवास कुकड़ा से की विशेष बात। कॉलेज की मूलभूत जरूरतें, जिसमें शुद्ध पेयजल की बात कर लें, चाहे कक्षाओं की नियमित साफ सफाई की बात कर लें, चाहे कक्षाओं के अंदर जो पंखे बंद पड़े हैं, इससे भयंकर गर्मी के मौसम के अंदर पिछले 2-2.5 महीने से पंखे, अधिकतर पंखे बंद पड़े हैं। महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों के प्रति उदासीन है। ऐसी 16-17 मांगों के साथ हमने पिछले 2-2.5 माह से लगातार उनको अवगत करवा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब तक किसी भी प्रकार का उचित फैसला नहीं लिया गया, इसलिए मजबूरन। और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खास खबरों पर। एसोसिएशन के द्वारा डीआरएम कार्यालय के बाहर जोरदार धरना। गाइड एंड स्काउट के कैडेट्स ने आज लोगों को हेलमेट पहनने के लिए दी नसीहत। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कार्मिकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर के और किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के पश्चात सप्ताह के इस दरमियान पूर्व क्षेत्र के विधायक संदीप कुमारी ने गंगा शहर क्षेत्र में ठेले बटेहरी वालों को बांटे कपड़े के थैले। नर्सिंग कर्मियों की भर्ती को लेकर के आज नर्सिंग स्टूडेंट्स ने रखी एक जोरदार बैठक। राष्ट्रीय राजमार्ग 754 पर किसानों की आवास भूमि का मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर के चल रहा है धरना, अब भी जारी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव में किसी भी विधायक या सांसद का नहीं होगा दखल, कहा चंद्रशेखर। गोगा के क्षेत्र में डंपिंग यार्ड पर रखे कचरे में लगी आग, आग के भीषण लपटों से एक बार माहौल भय का बना। और राज्य के डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ के द्वारा छात्र की सुविधाओं को लेकर के किया गया प्रदर्शन। और इससे पहले कि हम आपसे विदा ले, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में गतिविधियों के साथ इस चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।